नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के दलीलों को सही माना है और उस पर सहमति जताते हुए लालू प्रसाद यादव की स्पेशल बेल पिटीशन को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव के बेल को खारिज किया था, जिसके बाद चैलेंज किया गया था झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के बाद लालू प्रसाद यादव के बेल पिटीशन को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि सीबीआई ने एक दिन पहले, जिस दिन जवाब तलब करने का जो वक्त था उसका पूरा हुआ, तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया और बताया कि लालू प्रसाद यादव राजनीतिक गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, जेल में रहते हुए सजा याफ्ता हैं, फिर भी वो संगठन के लिए काम कर रहे हैं, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है और इसके आधार पर उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बेल पिटीशन में ये कहा गया था कि उनकी उम्र बहुत हो चुकी है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, जिसके आधार पर उन्हें बेल मिलनी चाहिए। लालू प्रसाद की तबीयत लगातार खराब रहती है, इसी को लेकर के जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। इसमें यह भी कहा गया था कि लोकतंत्र के महापर्व इस लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव भागीदारी होना लेना चाहते हैं और वो हिस्सा लेना चाहते हैं, इसी वजह से उनको बेल मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि सीबीआई ने साफ साफ कहा था कि उनसे नेताओं का मिलना जारी है, वो सजा याफ्ता हैं लेकिन स्पेशल वार्ड में रहते हैं, उनका इलाज रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा है जहां पर नेताओं का जमावड़ा लगता है, बड़े बड़े चेहरे उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं। इसी बात पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की याचिका को खारिज कर दिया। कहीं ना कहीं ये राजद के लिए बहुत दुख की खबर है, क्योंकि एक उम्मीद जगी थी कि सुप्रीम कोर्ट लालू प्रसाद के हक में फैसला देगा और उनकी बात को सुनेगा। लालू प्रसाद चाहते भी थे कि वो इस चुनाव में अपने पार्टी के लिए कुछ करें और शामिल हों लोकसभा चुनाव में, और इसी को लेकर के उन्होंने बेल पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब वो खारिज हो चुकी है। सीबीआई की बातों को सुप्रीम कोर्ट ने माना है, उनकी बातों पर सहमति जताई है और हलफनामे पर सुनवाई करते हुए लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो अब तक ये सबसे बड़ी खबर है। एक तरफ जहाँ तेजस्वी यादव इंसाफ मांग रहे हैं, अपने पिता को बेकसूर बता रहे हैं जनता की अदालत में, तो वहीं शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को। आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों पर सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ और सिर्फ लाइव सिटीज आपको दे रहा है। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए लाइव सिटीज.in पर जाएँ। धन्यवाद।